अच्छा चलें, वेलकम टू लेक्चर नंबर 21 22 इन द सीरीज एंड वी फिनिश 3 CLOs. वेल वी पार्शली पार्शली फिनिश 3 CLOs. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ CLO 1. सो वेन आई कम्प्लीट दिस चैप्टर वी विल कम्प्लीट आर CLO 1, बिकॉज CLO 1 वॉज डिवाइडेड इन टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. यानी दोनों के बीच में ये डिवीजन था. तो फर्स्ट लॉ तो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड लॉ की. और ये जो आपका चल रहा है ये 8वां हफ्ता चल रहा है. तो एज वी मूव ऑन टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इस लेक्चर में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ या क्या मैं आपसे आउटकम्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये एंड ऑफ द लेक्चर क्या जानना चाह क्या जानते हैं. At the end of this lecture, a student would be able to have an understanding of the second law of thermodynamics. आप second law के बारे में जान जाएंगे कि second law है क्या, क्या differences हैं. Second law के दो statements होते हैं. देखें, describe और statements के बीच में फ़र्क है. मैं आपको बताऊँगा क्या फ़र्क है और किस तरह आपको इसको answer करना है. तो आप दोनों statements जान लेंगे second law के. एक Planck ने statement दिया था, एक Kelvin का statement था. जब सेकेंड लॉ बना था तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, देर इज़ अ प्लैंक स्टेटमेंट, देर इज़ अ क्लॉसियस स्टेटमेंट, देर इज़ अ केल्विन स्टेटमेंट, देर इज़ अ बोल्ट्समैन स्टेटमेंट. ये सारे वही साइंटिस्ट हैं जिनके लॉज आप फॉलो करते हैं. मगर हमारे इसके अंदर इन्होंने जब लॉज कंबाइन किए थे तो दो लोगों के सिर्फ स्टेटमेंट्स चलते हैं, केल्विन का, प्लैंक्स का. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट CLO 1, राइट इन माई फर्स्ट स्लाइड व्हेन आई सेड जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उधर मैंने एक बात की थी एंट्रोपी की. मैंने ये भी कहा था कि जब हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो हम मजीद एंट्रोपी की बात आगे करेंगे. और मैं आपको इसका लिंक दूंगा कि सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ को एंट्रोपी किस तरह आपस में लिंक करती है. उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एंट्रोपी डिराइव किस तरह की जाती है. नो अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. यहाँ भी इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एंट्रोपी दोनों को लिंक करती है. किस तरह लिंक करती है, डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के अंदर. आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आप मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हो सेकेंड लॉ को. एक तो है कि जनरली एक स्टेटमेंट्स हो गए, लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं. एक ये है कि मैथमेटिकली उसको प्रूव किया गया, यानी उसको डिराइव किया है, प्रूव किया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स. And finally, you should be able to solve the problems based on entropy and the concepts of second law of thermodynamics. अब जब हम इसकी बात करते हैं आगे, स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही. Before I go on, I would like to talk about the second law of thermodynamics as soon as this slide changes. Yeah. Second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that heat transfer occurs spontaneously. यानि इसका ये मतलब हुआ है कि second law का second law ये बता रहा है हमें कि जो आपका heat transfer है वो spontaneously occur कर रहा है. कोई आप process उसके अंदर डाल नहीं रहे हैं, automatically heat transfer हो रही है. और कहाँ से transfer होती है? It transfers from a region of hotter body to a cold body. आज तक आपने ये देखा है कि जब भी टेम्परेचर आपका ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा हॉट टू कोल्ड होगा. कभी आपने ये नहीं सुना है कि कोल्ड से हॉट हीट ट्रांसफ़र हो रही है. ये आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. येस, इन द सेकेंड लॉ वी कैन डू अ प्रोसेस जिसके अंदर कोल्ड टू हॉट जाए. बट वेन वी डू दिस वी आर गोइंग अगेंस्ट द सेकेंड लॉ. कोल्ड टू हॉट कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. कोल्ड टू हॉट के अंदर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स डाला जाएगा या कोई एक्सटर्नल हीट या कुछ सप्लाई की जाएगी, कोई एजिटेट किया जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाएगा, तब जाकर ये कोल्ड टू हॉट जाएगा. इसीलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है. तो अगर मैं आपको सेकेंड लॉ से डिफाइन करने को बोलूँ तो बाई डेफिनेशन सेकेंड लॉ इज ऑलवेज हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विच इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कभी आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, इट अकर्स ऑन इट्स ओन, हैपनिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट.
the heat is transferred only from a hotter body to a lower temperature. Yahan par dekhen, word is only. The heat is transferred only from a hotter body, yani a higher temperature body, jiska to a lower temperature. कोल्डर बॉडी की हमेशा टेम्परेचर लोअर होगा, तो हीट आपकी हॉट बॉडी से ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी के अंदर. इट फर्दर स्टेट्स दैट द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी नेगेटिव. दिस आई विल प्रूव टू यू लेटर. बट जो सेकेंड लॉ जो स्टेट करता है वो ये करता है कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड एंट्रोपी. ये एंट्रोपी जो है ना वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. Which is why the other name for this second law of thermodynamics is the law of increasing entropy. यानि आपकी ये जो property है entropy की, ये always increase करेगी, ये decrease कभी नहीं कर सकती. इसकी minimum value entropy की zero होगी. Zero कब होगी? जब आपकी process completely reversible है, वरना ये जीरो से ज्यादा होगी. दैट इज वाई इट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी. आखिरी इक्वेशन देखें, एंट्रोपी हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस. इसको मैंने लिखा है लेस ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली मेजर नहीं की जाती है, इस तरह एंट्रोपी भी डायरेक्टली मेजर नहीं की जाती है. इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स. इसीलिए जब हम एंट्रोपी की भी बात करते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं डेल्टा एस से सिग्निफाई करते हैं. जिस तरह थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डेल्टा यू आता है, डेल्टा एच आता है, इसी तरह डेल्टा एस आता है. द लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी एज आई टोल्ड यू. मिनिमम एंट्रोपी दैट वुड थियोरेटिकली बी पॉसिबल इन अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो. थियोरेटिकली ये पॉसिबल होते हैं, मगर हकीकत के अंदर नो प्रोसेस इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल. तो वैसे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, मगर थियोरेटिकल पर्पसेस के लिए जीरो माना जाता है. हेंस द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन बाय दिस. अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, व्हाट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप ये बोलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, वेयर एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इंक्रीजेस और इन अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल साइकिल इट इज जीरो. सो दैट मीन्स दैट डेल्टा एस इज लेस और डेल्टा एस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. इट फर्दर स्टेट्स दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन अ स्पॉन्टेनियस वे, meaning that the heat is transferred from a hot body to a cold body. This is the definition of a second law of thermodynamics. This is different from the statements of a second law of thermodynamics. Abhi jo maine aapko bataya hai, ye maine aapko definition bataya hai. Agar mera question yun phrase ho, what are the statements of thermodynamics, second law of thermodynamics, आपको मालूम होना चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट्स हैं. या तो मैं आपसे सवाल यूं पूछ सकता हूं, व्हाट आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब तो मसला नहीं है. या तो मैं आपसे यूं पूछूं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू विल से टू स्टेटमेंट्स. और कौन से हैं वो दो स्टेटमेंट्स, उसका आप जिक्र करते हैं. द टू स्टेटमेंट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नंबर वन, पहले मैं ऑरेंज वाले को देख रहा हूं. नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कंसिस्ट सोली इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ सर्टेन टेम्परेचर लेवल टू अ हायर टेम्परेचर वन. ये केल्विन का लॉ हो गया. क्या बोलता है केल्विन का लॉ? इन अदर वर्ड्स ये वही बात हो गई दैट हीट ट्रांसफर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ऐसी कोई प्रोसेस आज तक बनाई नहीं गई है या पॉसिबल हो जिसके अंदर हीट ट्रांसफर है, विच कंसिस्ट सोली इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ सर्टेन टेम्परेचर लेवल टू अ हायर टेम्परेचर वन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल है, कोई हायर टेम्परेचर के ऊपर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. दैट इज नॉट पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस पॉसिबल प्रोसेस नहीं होगी.
यानी हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ हायर बॉडी हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. तो लोअर इधर है फ्रॉम अ सर्टेन टेम्परेचर टू अ हायर वन, यानी अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर वन दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट विल वायोलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स विल नॉट होल्ड ट्रू अगर ऐसी कोई प्रोसेस बने जिसके अंदर कोल्ड टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो. तो ये पहली प्रोसेस है कि ऐसी कोई प्रोसेस आज तक डिवेलप नहीं की गई है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हायर बॉडी. आप इसको अपने लफ्ज के अंदर जिस तरह मर्जी आए लिख सकते हैं. अगर कोई हाई बॉडी को रेफरेंस में लेना चाहता है वो हायर टेम्परेचर को ले सकता है, कोई कोल्डर टेम्परेचर को लेना चाहता है वो कोल्डर टेम्परेचर को ले सकता है. इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑलवेज फ्रॉम अ हॉटर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. दैट इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज नो अपैरेटस कैन ऑपरेट इन सच अ वे दैट इट कैन कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम कम्प्लीटली इनटू वर्क डन बाय द सिस्टम. इसका मतलब ये हुआ आज तक ऐसी कोई प्रोसेस नहीं बनाई गई है इन सिंपल वर्ड्स जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. यानी मैंने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उतनी ही एनर्जी मैं यूज कर रहा हूँ वर्क के अंदर. अगर मेरे 4000 जूल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं तो 4000 जूल्स वर्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे. ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी. इसको हम बोलते हैं द एफिशिएंसी लॉ इन अदर वर्ड्स. यानी हर चीज़ की कोई एफिशिएंसी होगी मगर वो एफिशिएंसी 100 से कम होगी या 1 से कम होगी. जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो एक रिवर्सिबल साइकिल की होती है जिसके अंदर भी सबसे स्पेशल जो नेम है, एक स्पेशल केस है कार्नट साइकिल. कार्नट की भी 0.3 होती है या 0.5 होती है, आई डू नॉट नो, मगर दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट. उसके अंदर भी सारा वर्क 100% प्रोड्यूस नहीं किया गया है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. जो बाकी जो रिवर्सिबल साइकिल्स हैं उनकी 70% ऑफ द कार्नट साइकिल होती है. यानी अगर कार्नट साइकिल 0.5 है तो उस 0.5 का भी 70% दूसरी साइकिल का होगा. तो कार्नट साइकिल के अंदर मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होता है बिकॉज द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, बाकी सब साइकिल्स का उससे कम होता है. यानी आपके दो स्टेटमेंट्स क्या हो गए, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच अकर्स इन अ नॉन स्पॉन्टेनियस वे. यानी नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कोल्डर टेम्परेचर टू अ हॉटर टेम्परेचर. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो अपैरेटस इज डिजाइंड विच कैन ऑपरेट विच कैन वर्क विद 100% एफिशिएंसी. इन अदर वर्ड्स ऑल द हीट विच इज एब्सॉर्ब्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द वर्क, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द मैकेनिकल वर्क. दीज आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. आई विल पॉज हियर. एनी क्वेश्चन? नो सर. तो अगर मैंने आपसे स्टेटमेंट्स बोला तो एक आप टेम्परेचर का जिक्र करेंगे, दूसरा आप इसका एक एनर्जी आउटपुट का और वर्क का करेंगे. और अगर आप लिंक किया जाए तो ये भी देखें जो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना उसी की ये बात कर रहे हैं. यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं, डेफिनेशन की. डेफिनेशन जब मैं डिफाइन कर रहा था तो मैंने क्या डिफाइन किया था, पहला डेफिनेशन मैंने किया था इट इज़ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. दूसरा डेफिनेशन मैंने किया था कि इट इज़ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस बॉडी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. जो पहला स्टेटमेंट है वो हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी को रिलेट करता है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एंट्रोपी को रिलेट करता है. किस तरह रिलेट करता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वही बात हो गई. एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी नॉन यूजेबल वर्क होता है. और नॉन यूजेबल वर्क का मतलब आपका यूजेबल वर्क कम हो जाता है. अगर नॉन यूजेबल वर्क इंक्रीज करेगा, यानी अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगा
तो आपका यूजेबल वर्क कम होगा। और इसी इसके अंदर यही हो रहा है कि अगर मैं एंट्रोपी को बढ़ा रहा हूँ तो आपका जो आउटपुट है मैकेनिकल वर्क है वो कम्प्लीटली कम हो रहा है, यानी 100% वर्क नहीं हो रहा है। 100% वर्क क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एंट्रोपी। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों उन्हीं पॉइंट्स को बता रहे हैं जो मैंने डेफिनेशन के अंदर दिए हैं। एक मैंने डेफिनेशन के अंदर दोनों पॉइंट दिए हैं, एंट्रोपी का पॉइंट, टेम्परेचर का पॉइंट। दूसरा मैंने दोनों पॉइंट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दिए हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में और एंट्रोपी के फॉर्म में, यानी अपैरेटस के फॉर्म में, कि वो वर्क किस तरह नहीं करता है। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको ये बात समझ आएगी, क्योंकि मैं यही पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा उस वक्त। अब लिंक क्या है बिटवीन द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स? अभी अभी मैंने एक जिक्र किया कि आपकी जो एनर्जी है ना वो कम हो जाती है, यूजफुल एनर्जी वो कम हो जाती है। यहाँ पर मुझे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को नलिफाई कर दिया, बिकॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी कम हो रही है या घट रही है। तो ये बोलने का मकसद ये है कि जब आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपकी आपकी एनर्जी कम होगी। कौन सी एनर्जी कम होगी? आपकी यूजेबल एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, आपकी जो यूजेबल, इसको इस तरह, इससे पहले मैं एग्जांपल में जाऊं, आप इसको यूं इस तरह यूं अज्यूम करें, मेरे पास शुरू के अंदर कितनी एनर्जी है? फर्स्ट लॉ को अगर देखा जाए, मेरे पास है 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। मेरे आउटपुट में कितना आनी चाहिए? मेरे पास आउटपुट में भी 100 आनी चाहिए। अगर एंट्रोपी बिल्कुल नहीं है तो वो जो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है वो 100 जूल्स ऑफ वर्क मुझे प्रोड्यूस करेगी, वही 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। मगर लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या बोलती है? लॉ ऑफ एंट्रोपी ये बोलती है कि नो प्रोसेस इज डिजाइंड विच विल प्रोड्यूस 100% आउटपुट ऑफ वर्क। यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है वो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ही प्रोड्यूस करे एंट्रोपी की वजह से। फ़र्ज़ करें मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है, मेरी एंट्रोपी है 30%, मेरी एंट्रोपी है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एंट्रोपी जो नॉन यूजेबल वर्क है वो 30 है, तो मेरा यूजेबल वर्क कितना हो गया? मेरा यूजेबल वर्क होगा 70। उस 30 जूल्स ऑफ एंट्रोपी की वजह से मेरे पास 70 जूल्स ऑफ यूजेबल वर्क है। देखें मेरा वर्क कम हो गया है, 70 है, मेरी एनर्जी, फाइनल एनर्जी कम हो गई है, मगर ये क्यों कम हो गई है? क्योंकि मेरे पास 30 जो जूल्स है वो मैं यूज नहीं कर सकता, वो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह जिससे ऐसी कोई प्रोसेस है कि मैं वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। हकीकत में वो प्रोसेस, वो एनर्जी वहाँ पर है, मगर इट कांट बी कन्वर्टेड फॉर सम रीज़न, आई डू नॉट नो द रीज़न, वो किस रीज़न की वजह से कन्वर्ट नहीं कर रही। मगर 30 जूल्स ऑफ दैट एंट्रोपी प्लस 70 जूल्स ऑफ वर्क, टोटल कितना हुआ? 30 प्लस 70 कितना हुआ? 100 जूल। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टिल होल्ड्स प्लेस, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100, दैट इज नॉन यूजेबल एनर्जी प्लस यूजेबल एनर्जी, टोटल इज 100 जूल्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट वैलिडेटेड, 100 जूल्स वैसे का वैसे रहेगा, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो अलग बात है कि इट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू इट्स कंप्लीट यूजेज। बात समझ आ रही है? तो अब यही जो मैंने एग्जांपल दिया है इसको मैं आपको वर्ड्स में देता हूँ, हो सकता है वर्ड्स के अंदर आपको बेहतर समझ आ जाए। इन द सेकेंड लॉ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विल रिमेन द सेम, यानी आपकी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, जो मैंने आपको अभी 100 जूल का एग्जांपल दिया। व्हाई डज दिस हैपन? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
However, the quality of matter reduces over time due to the property called entropy which increases. दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी. जब मैंने आपको बात की 100 जूल्स की, तो दैट वाज द टोटल 100 जूल्स की, तो वो क्वांटिटी थी. जब मैंने आपको ये कहा कि उस 100 जूल में से 30 जूल्स कोई नॉन यूजेबल प्रोसेस है, कोई प्रोसेस की वजह से यूज नहीं हो पा रही मगर वहां पर है, 70 जूल्स प्रोड्यूस हो रही है. 70 तो आपकी क्वांटिटी रहेगी मगर क्वालिटी क्या है उसकी, सॉरी टोटल क्वांटिटी 100 रहेगी, 30 प्लस 70, मगर उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी 70 जूल्स हो जाएगी क्योंकि नॉन यूजेबल एनर्जी 30 जूल्स है. तो आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है क्योंकि वो अपने टोटल 100% के ऊपर आउटपुट नहीं दे सकता. यही सेकेंड लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट है. No apparatus can operate in a way that it can convert all the heat absorbed into the system completely into the work done by the system. यानी एंट्रोपी की वजह से उसकी क्वालिटी कम हो रही है, 100% एफिशिएंसी नहीं हो रही है. तो सेकंड पॉइंट को जिक्र करते हैं. However, the quality of matter reduces over time due to the property called entropy which increases. अगर हमें अंडरस्टैंड करना है इस एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को, एक एग्जांपल लेते हैं यूजेबल एनर्जी का. यूजेबल एनर्जी क्या होती है, हम यूज़ करते हैं एनर्जी को, हम एनर्जी इनटेक करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए कि हम अपनी बॉडी को चला सकें, प्रोड्यूस कर सकें, एक्टिविटी कर सकें, ग्रोथ के लिए कि हमारे सेल्स ग्रो हो रहे हैं, हमारा साइज बढ़ रहा है, और रिपेयर के लिए जब हमारे सेल्स डैमेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके बाद रिपेयर करते हैं. मगर वाइल वी आर यूजिंग दिस यूजेबल एनर्जी, सम ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल एनर्जी. जब ये हम एनर्जी यूज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, रिपेयर के लिए, कुछ एनर्जी तो यूज नहीं हो रही है, वो वेस्ट हो रही है. इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ द यूजेबल एनर्जी इज लॉस्ट एज अनयूजेबल एनर्जी. कुछ जो एनर्जी है वो हम बैक टू द एटमोस्फेयर दे रहे हैं या आउटसाइड दे रहे हैं, जो अनयूजेबल एनर्जी है. तो एक जो आपका क्लोज या आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर जो एंट्रोपी होती है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द अनयूजेबल एनर्जी. इन अदर वर्ड्स, इन लेमैन्स टर्म्स, एंट्रोपी इज दैट एनर्जी विच इज वेस्टेड, दैट एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज्ड, या दैट एनर्जी बिकॉज ऑफ विच अ प्रोसेस इज नॉट 100% एफिशिएंट. एज यूजेबल एनर्जी विल डिक्रीज, अगर हम यूजेबल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ है कि 100%, इसका ये मतलब हुआ है कि हमारी जो अनयूजेबल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है. और ये अनयूजेबल एनर्जी क्या है, एंट्रोपी. सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी. वही 100 जूल वाला एग्जांपल दें, अगर मेरी एक प्रोसेस है उसकी मैक्सिमम आउटपुट 100 जूल हो सकता है मगर मेरी एंट्रोपी की वजह से उसका उसकी एफिशिएंसी 70% है, यानी 70 जूल्स ऑफ वर्क काम कर रहा है. मेरी दूसरी प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस का मतलब अनयूजेबल इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज हो गई, 30% से 40% इंक्रीज हो गई. अगर 40% इंक्रीज हो गई तो मेरा यूजफुल वर्क क्या हो गया, मेरा यूजफुल वर्क 70% के बजाय 60% हो गया. यानी जितनी मेरी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, अनयूजेबल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उतनी मेरी एफिशिएंसी या मेरा यूजेबल वर्क को क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है. दे आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी इंक्रीजिंग एंट्रोपी क्या कर रही है, वो एफिशिएंसी को कम कर रही है. यही चीज सेकंड लॉ बोलती है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी. द मोर यू इंक्रीज द एंट्रोपी द लेस योर आउटपुट बिकम्स, यानी लेस योर प्रोसेस ऑफ योर एफिशिएंसी प्रोसेस कम्स. अब इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया नहीं है मगर जब मैं बाद में बात करूंगा. कार्नट साइकिल के अंदर हम अज्यूम क्या करते हैं, कार्नट साइकिल के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि एंट्रोपी जीरो है.
इसीलिए उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी 0.7 होती, 0.5 होती है। अब यहाँ पर मुझे कोई आर्ग्यू कर सकता है कि एफिशिएंसी 1 क्यों नहीं है, अगेन दैट इज गोइंग टू नलिफाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के नो प्रोसेस इज मेड विच इज कम्प्लीटली 100% वर्क। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक 0.5 एक वैल्यू है, मगर उस पे एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी जीरो है। कोई दूसरी साइकिल के ऊपर एंट्रोपी बढ़ रही है, लेट से एंट्रोपी 10% हो गई। अगर एंट्रोपी 10% हो गई तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, मेरी एफिशिएंसी 0.5 से कम होगी क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। कार्नट साइकिल के ऊपर एंट्रोपी जीरो है, एनी अदर साइकिल के ऊपर एंट्रोपी वुड बी मोर देन जीरो। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 100, आई डोंट नो। द हायर द एंट्रोपी गोज द लेसर योर आउटपुट बिकम्स। ऐसी कोई साइकिल जिसके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू 10 है, उसकी एफिशिएंसी 30% हो सकती है। ऐसी कोई साइकिल जिसके अंदर एंट्रोपी 20 है, उसकी एफिशिएंसी 10% हो सकती है। यानी ये जितनी आप इंट्रोपी बढ़ाते रहें उतनी आप एफिशिएंसी कम करते रहें। तो यही बात हो रही है, इन अ क्लोज या आइसोलेटेड सिस्टम द इंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अनयूजेबल एनर्जी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोपी वी टॉक अबाउट अनयूजेबल एनर्जी। एज यूजेबल एनर्जी विल डिक्रीज द अनयूजेबल एनर्जी विल इंक्रीज। जितना जितना आप अनयूजेबल एनर्जी को इंक्रीज करते रहेंगे उतना आपका यूजेबल एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा। द ओनली थिंग दैट शुड बी मैटर इज द टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम। मेरा पहला केस क्या था, 100% 100 जूल आउटपुट। दूसरा केस क्या हुआ, 10% इंट्रोपी 90% आउटपुट, 20% इंट्रोपी 80% आउटपुट, 30% इंट्रोपी 70% आउटपुट। तीनों का सम सेम है, 100 जीरो, 70 30, 80 20, 90 10। यानी मेरा फर्स्ट लॉ वैलिडेट नहीं हो रहा है, टोटल एनर्जी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज द इन टर्म्स ऑफ यूजेबल एंड अनयूजेबल एनर्जी। सो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज। दूसरा डेफिनेशन क्या है जिसको हम लेमैन टर्म्स के अंदर या हमने अपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द रैंडमनेस या द कियोटिक नेचर इन अ क्लोज सिस्टम। यानी आपका जो क्लोज सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो कियोटिकली अरेंज हो, रैंडमनेस हो, और इसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप यूजेबल एनर्जी को डिक्रीज करोगे यानी आपके अनयूजेबल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आपके जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। इट विल लूज इट्स ऑर्गेनाइजेशन, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, कियोटिक नेचर विल इंक्रीज ऑफ दैट क्लोज सिस्टम। इसीलिए हम एंट्रोपी को यूं भी बोलते हैं कि इट इज द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। वन थिंग द सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स इज इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी टू अ मैकेनिकल एनर्जी 100% एफिशिएंटली। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। यही स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, यही डेफिनेशन है सेकंड लॉ का। आप एग्जांपल ले लें पिस्टन का, पिस्टन के अंदर हम बोलते हैं कि 100% आउटपुट आपका हो रहा है, मगर हकीकत में पिस्टन के अंदर भी 100% आउटपुट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन होता है जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं। हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन, देर इज नो सच थिंग एज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देर इज सम वेयर एंड टेयर, देर इज सम फ्रिक्शन, इट विल नॉट बी 100%। सो द सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल इन एवरी प्रोसेस। अच्छा सर, आप बात करते हैं सर फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन को हम एंट्रोपी कह सकते हैं सर? फ्रिक्शन को किसको एंट्रोपी यार, कह आप सकते हैं? एंट्रोपी नहीं कह सकते बिकॉज फ्रिक्शन इज अ फोर्स, मगर आप ये कह सकते हैं फ्रिक्शन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें फ्रिक्शन के यूनिट क्या होते हैं, फ्रिक्शन का यूनिट न्यूटन होता है, फ्रिक्शन
एंट्रोपी के यूनिट क्या होते हैं? जूल पर केल्विन। कैसे कहेंगे कि इट इज एंट्रोपी? फ्रिक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रोपी। चलें अब बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूँ तो क्लोज सिस्टम भी इसके अंदर आ जाता है, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा अगली क्लास में कि नेवर डिक्रीज कैसे होती है। अभी आप बस मान ले इट नेवर डिक्रीजेस, ये नहीं पूछें कैसे नेवर डिक्रीज, क्योंकि ये आगे का काम है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस ओवर टाइम फ्रॉम बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। एंट्रोपी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द मास। इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? इट डज नॉट मैटर व्हाट पाथ एंट्रोपी टेक्स, पाथ ए टू बी, पाथ सी टू डी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। Entropy will always depend upon the initial state and the final state. It will not depend upon anything else. I will also prove this point to you later. Idealization properties, idealization process ke andar, we believe that it is reversible, entropy does not change and it is considered zero. Yani aise koi hypothetical idealized complete process ho jo asal mein nahi hai, उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी, वो जीरो रहेगी। बाकी जितनी भी कोई भी प्रोसेस हो, यानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दो प्रोसेसेस होती हैं, एक रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल होती है। जो हमारी आइडियलाइज्ड प्रोसेस होती है उसको हम रिवर्सिबल मानते हैं, जो एक हकीकत में रियल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसके अंदर देयर विल ऑलवेज बी एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। इवन इफ योर वैल्यू इज कमिंग 0.05, एंट्रोपी इज स्टिल इंक्रीजिंग। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमेशा आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और हमारी जो हकीकत में प्रोसेसेस होती हैं वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। एंट्रोपी अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द कार्नट साइकिल। हमने एंट्रोपी को डिराइव किस तरह किया है? हमने एंट्रोपी को डिराइव किया है कार्नट साइकिल से, जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर को बीच में छोड़ दूंगा और लेक्चर 5 पहले स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पहले आपको कार्नट साइकिल पढ़ानी है, तब मैं एंट्रोपी पे दोबारा आ सकता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी हमने अराइज कहाँ से की है? कार्नट साइकिल से अराइज की है। और गिविन कैसे है? ये फॉर्मूला से गिविन है, रिवर्सिबल हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। यानी अभी यहाँ भी देखें, मैंने डेल्टा एस क्यों लिखा है? बिकॉज वी टॉक अबाउट चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डी क्यू रिवर्सिबल कहाँ से आया है? रिवर्सिबल आया है रिवर्सिबल प्रोसेसेस से, कार्नट साइकिल की वजह से, बिकॉज अ कार्नट साइकिल इज अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कार्नट साइकिल नहीं होती तो यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं आता। तो इसीलिए एंट्रोपी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये डिराइव हुई है कार्नट साइकिल से, इसीलिए मैंने रिवर्सिबल लिखा हुआ है। और अगर ये रिवर्सिबल अपॉन टी है, क्यू के यूनिट्स क्या होते हैं? क्यू के यूनिट्स इनर्जी के क्या होते हैं? जूल्स होते हैं। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है, जूल पर केल्विन। सपोज अगर मैं इसके यूनिट लिख लूँ जूल पर केल्विन केजी, या जूल पर केल्विन मोल, तो क्या होगा? तो क्या चीज होगी सर? ये आर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स बन जाएंगे ना? नहीं, वो तो बनेंगे आर के केजी। एक सेकेंड, आर के यूनिट कब बनेंगे? देखें, आर के यूनिट बनेंगे अगर ये जूल अपॉन केल्विन और मोल भी हो। मैं यहाँ पर केजी बोल रहा हूँ, मैंने दो इंस्टेंस दिए हैं। पहला इंस्टेंस, मैं ये बोल रहा हूँ, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, ये आर के यूनिट कैसे बन गए, ये क्या चीज हो गई? पढ़ा हुआ है आपने ये, देखें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आर्ग्यूमेंट है,
ये जो आप बोलते हैं ना कि वाइवा में कल किसी ने बोला था कि मैसेज किया था कि कोई एग्जांपल्स दें, कोई किस तरह के ट्रिक क्वेश्चन होते हैं या क्या होते हैं, यही आपकी आर्ग्यूमेंट है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मगर मैं ये गारंटी कह दूं कि 99% ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू आंसर दिस इन द वाइवा। फिर आप बोलते हैं कि नंबर कट गया। सर हीट कैपेसिटी का यूनिट है? कैसे हीट कैपेसिटी का यूनिट है? म्यूट करें। जूल पर केल्विन क्या होता है? एंट्रोपी। अगर मैंने केजी लगा दिया, स्पेसिफिक एंट्रोपी नहीं बन गया? स्पेसिफिक नहीं बन गया। अगर मैं वॉल्यूम को बात करता हूं, वो अगर हीट कैपेसिटी बात कर रहे थे, हीट कैपेसिटी में जब नीचे केजी आ गया था, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बन गया था? उसी तरह अगर एंट्रोपी के अंदर अगर मैंने पर केजी कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एंट्रोपी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कहाँ का है? कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब ये छोटे सवाल होते हैं जो मैं पूछता हूँ, और यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। मैंने सिर्फ एक चीज की, मैंने केजी ऐड कर दिया, एंट्रोपी की जगह ये स्पेसिफिक एंट्रोपी बन गया। मेरा दूसरा सवाल, इज दिस एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मगर एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी मैं बता कर थक गया था। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक जब मैंने टॉक्ड अबाउट द हीट कैपेसिटी वाज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनी थी तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई थी। इसी तरह जब एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब स्पेसिफिक एंट्रोपी बनी है तो वो क्या हो गई है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि ये हमने वाइवा के अंदर कि ये हमने नहीं पढ़ा है, या एंट्रोपी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर कल को मैंने वाइवा के अंदर एंट्रोपी का एग्जांपल देकर पूछ लिया तो ये नहीं बोलिएगा कि ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं असल में एंट्रोपी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं असल में प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहा हूँ उससे, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव से। या मैं अगर आपको ये बोलूं, सपोज प्रॉपर्टी ए इज डिवाइडेड पर केजी केल्विन, सॉरी इज प्रॉपर्टी ए इज डिवाइडेड पर मास, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज इट? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंटेंसिव एक्सटेंसिव? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेट करता है। तो बात समझ आई? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आप लोग रिवीजन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसको पढ़ते तो ये आपके दिमाग में होता कि अगर मैं पर केजी करता तो ये क्या चीज होती। अच्छा, इंडिविजुअल एंट्रोपी शुरू मुझे कहां से करना है? इंडिविजुअल एंट्रोपी कैन डिक्रीज। देखें, जब मैं डेल्टा एस की बात करता हूं तो मेरे पास दो एंट्रोपी होती हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनमें से एक एंट्रोपी कम हो सकती है, एक ज्यादा हो सकती है। अगर मैं इंडिविजुअली देखा जाऊं तो एंट्रोपी जीरो से कम हो सकती है, मगर फाइनल एंट्रोपी कभी जीरो से कम नहीं होगी। जब मैं सिस्टम को देखता हूं तो मैं ओवरऑल सिस्टम को देखता हूं, तो ओवरऑल कभी इट विल नेवर बी बिलो जीरो, एंट्रोपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। मगर अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं या तीन कंपोनेंट हैं, हो सकता है एक की कम हो, दूसरी की भी कम हो, मगर जो तीसरा है उसकी इतनी ज्यादा हो कि वो दोनों जो कम है उसको वो निगेट कर जाएगा। यानी अगर एक की वैल्यू -2 आ रही है, दूसरी की वैल्यू -3 आ रही है, तो तीसरी की वैल्यू यकीनन 5 या तो मिनिमम 5 होगी या 5 से ज्यादा होगी, तो 6 हो जाएगी, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जीरो से बढ़ जाएगा। Individual entropy can decrease of an isolated system, total entropy will always increase. Example आप देख लें, ये एक छोटा सा example मैं आपको दे देता हूँ। Example है glass का, उस glass के अंदर क्या है? ठंडा पानी पड़ा हुआ है, ice water, वो एक room के अंदर रखा हुआ है। अब जो the glass of the ice water है वो आपका system है, और जो room आपका है वो आपका सराउंडिंग है। मुझे पहले ये बताएं कि टेम्परेचर ज़्यादा किसका है,
उस आइस वाटर का है या रूम का है? रूम का है टेम्परेचर हायर रूम का होगा. तो स्पॉन्टेनियसली अगर हीट ट्रांसफर करनी है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कहाँ से करेगी? हीट विल ट्रांसफर ग्लास से नहीं करेगी. थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का रूल है स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर. अभी आपने खुद ही जी अभी आपने खुद ही कहा है कि टेम्परेचर जो ग्लास का है वो कम है कंपेयर टू द रूम. ठंडा पानी है ना, अगर ठंडा पानी है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा. रूम का टेम्परेचर क्या होता है? 24 डिग्री होता है. तो बाय डिफॉल्ट हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यानी रूम टू ग्लास जाएगा, सराउंडिंग टू द सिस्टम आएगा, सिस्टम टू द सराउंडिंग नहीं आएगा. ये देख लें, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, वेयर द सराउंडिंग हैज अ हायर टेम्परेचर. कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर आइस वाटर है तो उसका टेम्परेचर लो हो रहा है. सो द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग स्प्रेड्स टू द कूलर सिस्टम ऑफ द आइस, यानि वो सराउंडिंग से टेम्परेचर आएगा उस आइस वाटर के अंदर अंटिल अ टाइम कम्स जबकि आइस का जो टेम्परेचर हो जाएगा उस वाटर का वो वही टेम्परेचर हो जाएगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो. ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. सो सिस्टम ऑफ आइस एंड वाटर एज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी एज टाइम पासिस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द रूम एंड द ग्लास इज आइडेंटिकल. हमारा इंटरेस्ट था वो था एंट्रोपी के अंदर. अब ये देखें, द एंट्रोपी ऑफ द रूम विल डिक्रीज. रूम, मेरे वर्ड देखें, एंट्रोपी ऑफ द रूम विल डिक्रीज. क्यों एंट्रोपी ऑफ द रूम इज डिक्रीजिंग? एंट्रोपी ऑफ द रूम इज डिक्रीजिंग बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज डिस्पर्स्ड इनटू द आइस वाटर. आपकी जो यूजफुल एनर्जी है, जो आपकी यूजफुल एनर्जी है, सम ऑफ इट इज डिस्पर्सिंग इन द आइस वाटर. तो आपकी जो एंट्रोपी है ओवरऑल, वो आपकी सराउंडिंग की क्या हो रही है, वो कम हो रही है. मगर आपका जो सिस्टम की एंट्रोपी है, आपकी सिस्टम की एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है, और इतनी इंक्रीज कर रही है कि वो टोटल एंट्रोपी को पॉजिटिव कर रही है. ये दो एग्जांपल देखें. आपका मैंने एग्जांपल दिया है डेल्टा एस विच इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. दूसरा आपका है डेल्टा एस विच इज द हॉट बॉडी विच इज द कोल्ड बॉडी. दोनों का सम है. अगर मैं हॉट बॉडी को अज्यूम कर लूं कि ये मेरी सराउंडिंग है, क्योंकि मेरी सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे था, इसको मैं अज्यूम कर लूं ये मेरी कोल्ड बॉडी है, कोल्ड वाटर है. अब देखें मैंने क्या किया है, दोनों की हीट सेम है. एंट्रोपी क्या होती है? क्यू अपॉन टी. एंट्रोपी क्या होती है? क्यू अपॉन टी. एक है टी हॉट, एक है टी कोल्ड. एक से पहले नेगेटिव है. नेगेटिव इज ऑलवेज बिफोर द हॉट बॉडी, पॉजिटिव इज ऑलवेज बिफोर द कोल्ड बॉडी. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं. पहली बात तो ये, मैंने मैं आपको दोनों रीजन से प्रूव कर दूंगा कि एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों आ रही है या नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगाया है. अगर मैं पहले बात करता हूँ हॉट बॉडी की, मैंने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया है? बिकॉज द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, एनर्जी इज गोइंग आउट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. मैंने आपको क्या सिखाया था, जब कोई बॉडी से सराउंडिंग से बाहर जा रही होती है एनर्जी टूवर्ड्स द सिस्टम, उसकी सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी एनर्जी? एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी अगर आप उसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो. इसी तरह वो सिस्टम के अंदर जा रही है तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपका कोल्ड बॉडी जो वाटर था, शुरू के अंदर ही मैंने बताया था वो सिस्टम है, तो उसके लिए पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है. इसके अंदर कोई मसला है, कोई
अंडरस्टैंड करने का। सर ये माइनस क्यों इसलिए हुआ कि क्योंकि हमने सराउंडिंग को रेफरेंस लिया है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हीट वहां से जा रही है ना। अब सराउंडिंग से सर जी सराउंडिंग से नहीं देखें, इसको यूं देखें हायर टेम्परेचर से जा रही है। इस केस में सराउंडिंग आपका हायर टेम्परेचर था। अब मैं आपको टेम्परेचर का इसके अंदर रेफरेंस दूंगा, दूसरी तरह आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो याद रखने का यह है जो साइंटिफिक तरीका है कि हीट कहाँ से जा रही है, हॉट टू लो, हॉट टू कोल्ड जा रही है। इसीलिए मैंने माइनस हॉट के साथ रखा है और कोल्ड इसके कोल्ड के साथ पॉजिटिव रखा है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखें, अगर आपको ये तरीका याद नहीं रहता, अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, Q अपॉन टी ए पी, ये तो एंट्रोपी होती है। ये आपको ये दिखा रहा है कि दोनों में से एक की एंट्रोपी कम हो रही है, दूसरे की एंट्रोपी ज़्यादा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ एक की कम है एक की ज़्यादा है? एक के साथ नेगेटिव साइन है, दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन है। यानी एक के अंदर एंट्रोपी नेगेटिव हो रही है, दूसरे के अंदर एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है। अब ये देख लें या ये याद रख लें कि टोटल एंट्रोपी मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपको ये साइन याद नहीं रहे कि किससे बाहर जा रही है या किससे अंदर आ रही है, लेमैन तरीका ये है कि जो सी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, उसको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव रख लें, उसको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव रख लें। उसका रीजन क्या है? अज्यूम कर लें कि क्यू मेरी, मैं आपको मैथमेटिकल वैल्यूज दे रहा हूं, क्यू की वैल्यू है 100 जूल्स। हॉट टेम्परेचर की बॉडी, हॉट टेम्परेचर का कोई मुझे टेम्परेचर बताएं। फर्ज करें मैंने आपको बता दिया एक हॉट टेम्परेचर 100 केल्विन, कोल्ड टेम्परेचर मैंने आपको बताया ये हॉट से कम ही होगा डेफिनेटली 50 केल्विन। ये वैल्यूज याद रखें, Q कितना है 100, T हॉट कितना है 100, T कोल्ड कितना है 50। अगर मैं T हॉट को पहले फाइंड आउट करूं, 100 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 1, 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है 2। अगर मैं 1 माइनस 2 करूं तो मेरा आंसर -1 होगा। 1 माइनस 2 करूं तो मेरा आंसर -1 होगा। एंट्रोपी कैन नेवर बी -1। अगर मैं आंसर 2 माइनस 1 करूं तो मेरा आंसर 1 होगा, दैट इज पॉसिबल। तो लेमैन तरीका ये है कि एंट्रोपी के लिए जो भी आपका टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर हो ना, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, ये इंपॉर्टेंट मैं एक बात बता रहा हूं। जो भी आपका हायर टेम्परेचर होना, यकीनन उससे पहले आप नेगेटिव लगा लीजिएगा। जो भी आपकी हॉट बॉडी है उसके लिए टेम्परेचर, उसके लिए आप माइनस पहले लगा लीजिएगा। अगर आपको ये तरीका याद ना रहे कि ये छोटी सी ट्रिक है कि हॉट से जा रही है या कोल्ड में जा रही है, एंट्रोपी हमेशा नेगेटिव होगी हॉट बॉडी के लिए। तो अगर मेरा हॉट टेम्परेचर 100 है, कोल्ड टेम्परेचर 50 है, तो हॉट टेम्परेचर से पहले हमेशा नेगेटिव लगेगा, कोल्ड से पहले पॉजिटिव लगेगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मेरा हॉट टेम्परेचर सराउंडिंग थी, मेरा कोल्ड टेम्परेचर वाटर था, तो मैंने सराउंडिंग के लिए बोला कि नेगेटिव एंट्रोपी है और मैंने वाटर के लिए बोला पॉजिटिव एंट्रोपी है। अब ये देखें कि ये हॉट टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी आ रही है ये -1 है। मैंने आपको कहा था कि एंट्रोपी के नेवर बी नेगेटिव, बट दैट इज फॉर द होल सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर दो स्टेप्स हैं या डिवाइडेड है तो एंट्रोपी कैन बी नेगेटिव। यहाँ पर दो पार्ट्स हैं तो यहाँ पर एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है -1, मगर मेरा जो कोल्ड सिस्टम है या जो वाटर का सिस्टम है उसके अंदर एंट्रोपी इतनी ज्यादा है कि वो उस नेगेटिव एंट्रोपी को कवर कर लेती है। अगर मेरा कोल्ड सिस्टम है वो कितना है, इधर से मेरी वैल्यू 2 आ रही है,
तो माइनस वन प्लस टू एंट्रोपी मेरी टोटल पॉजिटिव आ रही है। अब ये बात देख ले कि ये रिवर्स में नहीं हो सकती। अगर मैं ये बोलूं कि कोई स्टूडेंट को साइन याद नहीं रहे, वो ये बोल दे कि मैं कोल्ड बॉडी को एंट्रोपी नेगेटिव दे देता हूं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करें मेरे पास क्यू है, क्यू क्या है, क्यू मेरे पास 1000 जूल है। मेरा कोल्ड टेम्परेचर क्या है, मेरा कोल्ड टेम्परेचर है 100 केल्विन है। और मेरा हॉट टेम्परेचर क्या है, डेफिनेटली मेरा हॉट टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा, लेट से 1000 है। अगर मैं पहले एंट्रोपी कोल्ड की लूँ और मैंने नेगेटिव कोल्ड से पहले किया है, कोल्ड का टोटल एनर्जी क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 100 आपको मिलेगा 100 आपको मिल गया। 100 इज फॉर योर 100 जूल, 100 जूल इज फॉर योर कोल्ड, इज फॉर योर कोल्ड बॉडी। अब आपकी हॉट बॉडी के लिए क्या है हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 वन। और अगर आपने बाय डिफॉल्ट या बाय गलती से नेगेटिव साइन आपने कोल्ड बॉडी पे निकाल लगा दी, तो आपका आंसर क्या बन गया, माइनस वन, यानी कोल्ड बॉडी का माइनस वन आ रहा था, सॉरी कितना आ रहा था, माइनस थाउजेंड आ रहा था। कोल्ड बॉडी का माइनस थाउजेंड आ रहा था और हॉट बॉडी का माइनस वन आ रहा था, पॉजिटिव वन आ रहा था। तो थाउजेंड माइनस वन अगर आप करेंगे, माइनस थाउजेंड प्लस वन, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 999। दैट विल नलिफाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स सेज दैट एंट्रोपी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर एंट्रोपी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोल्ड बॉडी वाला टेम्परेचर है उससे पहले नेगेटिव साइन नहीं लग सकता, हमेशा पॉजिटिव साइन लगेगा। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो मैंने फाइंड आउट की है कैलकुलेशंस कर। तो अगर आपको बाय साइंटिफिक रीजन याद नहीं होता है, इस तरह याद रख लें कि जो आपका टेम्परेचर कोल्ड होगा ना, उससे पहले हमेशा पॉजिटिव साइन लगेगा, क्योंकि क्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, क्यू दोनों के अंदर सेम है। तो हॉटर बॉडी से पहले नेगेटिव लगेगा, कोल्डर बॉडी से पहले हमेशा पॉजिटिव लगेगा। ये लाजमी है कि एक से पहले नेगेटिव लगेगा, एक से पहले पॉजिटिव लगेगा। ये क्यों है, बिकॉज दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होती है, वन वैल्यू माइनस द अदर। मगर अगर आपको ये याद रखना है कि किससे पहले नेगेटिव लगेगा, हमेशा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे पहले नेगेटिव लगेगा, जिसका टेम्परेचर कम है उससे पहले पॉजिटिव लगेगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। अभी के लिए इतना याद कर लें, द हॉटर बॉडी एंट्रोपी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, द कोल्डर बॉडी एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट द पॉजिटिव एंट्रोपी इज गोइंग टू बी मोर देन द नेगेटिव एंट्रोपी, बिकॉज ऑफ विच द ओवरऑल एंट्रोपी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, which is the second law of thermodynamics, that entropy can never be negative. तो अगर मैंने आपको कोई ऐसा question दिया जिसके अंदर signs reverse हो रही हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उस solution के अंदर आप ये लिखेंगे, this is not possible because this is nullifying the second law of entropy. Entropy can never be negative. ये बात समझ आई? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्दर समझ आएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका लॉ बता दिया है कि क्लोज सिस्टम के अंदर ये रूल हमेशा फॉलो होगा, हॉट प्लस कोल्ड, हॉट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, कोल्ड वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट इज द वे हाउ टू लर्न इट फ्रॉम द लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये यूं भी आप देख सकते हैं कि हॉट के अंदर क्या होता है, हॉट के अंदर एनर्जी इज released from the hot body into the cold body. If the energy is going out, it is negative. If the energy is being received, it is positive. तो एक अच्छा student होगा, वो तो इस तरह याद रखेगा कि क्योंकि उसका मतलब है कि उसको thermodynamics समझ आ गई है कि hot body से energy बाहर जा रही है। Energy अगर बाहर जा रही है तो definitely negative. Cold body में energy जा रही है तो उसकी energy gain हो रही है, positive. तो वो यूं याद रखेगा। एक एवरेज स्टूडेंट होगा जिसको थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आ रही है, तो वो रट्टा लगाकर यूं याद रखेगा कि हॉट बॉडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव,
कोल्ड बॉडी वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो मैंने आपको दोनों तरीके से बात बता दी है. द बॉल इज इन योर कोर्ट. आपको जो पसंद आ जाए आप उस तरीके से याद रख लो, रट्टे से याद रख लो या लॉजिक से याद रख लो. अनलाइक मैनी अदर फंक्शंस ऑफ स्टेट, एंट्रोपी कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मस्ट बी कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड मस्ट बी कैलकुलेटेड. इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह टेम्परेचर डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है, प्रेशर डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती. डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू एंथैल्पी नहीं हो सकती, एंथैल्पी नहीं हो सकती डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू, इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकती डेल्टा यू वन डेल्टा यू टू, इसी तरह एंट्रोपी भी नहीं हो सकती डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू. It has to be calculated from a reference point. और इधर reference point क्या था? Two different temperatures, hot temperature, cold temperature. Finally, entropy is not a conserved quantity. हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ, what is the difference between entropy and energy? Energy हमेशा conserved होती है. जितनी energy शुरू के अंदर होती है, उतनी energy बाद में भी होगी. एंट्रोपी क्या होती है? ये कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. अगर शुरू के अंदर मेरे पास एंट्रोपी वन है, विद टाइम एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, अंटिल अ टाइम इट बिकम्स कॉन्स्टेंट. एंड व्हेन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट व्हाट हैपेंस? इसका मतलब है आप वाइवा के लिए पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं रहे. आपको याद है कि मैंने क्या बोला था शुरू के अंदर? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद क्या आया था? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल इट अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, विच इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वो लॉ याद आया? Yes, no. आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है. तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है?